गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव की बड़ी पावर, हथियार व गोला बारूद डीलरों को जारी कर सकेंगे लाइसेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ सुप्रीति सलाथिया। जम्मू कश्मीर में गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव की ताकत बढ़ गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के विशेष आदेश के तहत अब प्रशासनिक सचिव हथियार व गोला बारूद डीलरों को लाइसेंस जारी कर सकेंगे। ये निर्णय विशेष शक्तियों के तहत लिया गया है, जिससे राज्य में हथियार और गोला बारूद के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गन लाइसेंस के लिए अनिवार्य S1 फॉर्म की जिम्मेदारी जिले के DSP DAR समक्ष प्राधिकारी को सौंपी गई है। यह अधिकारी न सिर्फ ट्रेनिंग कराएंगे बल्कि इनका सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। ये सर्टिफिकेट फॉर्म S1 के रूप में होगा, जो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में गृह विभाग के गन लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म S1 अनिवार्य कर दिया गया था। लाइसेंस का आवेदन करने के लिए इस फॉर्म को लगाना जरूरी था, लेकिन प्रदेश में इन फॉर्म को जारी करने के लिए कोई अधिकृत नहीं था। इसके कारण जम्मू कश्मीर में लाइसेंस जारी करने पर रोक लग गई थी। सूत्रों का कहना है कि करीब 8,000 लोगों के लाइसेंस इस फॉर्म की वजह से अटके पड़े हुए हैं, क्योंकि लाइसेंस आवेदन के साथ फॉर्म S1 नहीं था, इसलिए आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। अब इस नए आदेश के बाद लाइसेंस प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे अटके हुए लाइसेंस जल्दी जारी हो सकते हैं। इस कदम से राज्य में हथियार और गोला बारूद की लाइसेंस प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। प्रशासनिक सचिव की बढ़ी हुई शक्तियों से न सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार होगा बल्कि आम जनता को भी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7।